हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। और आज हम कॉर्न और सोया ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उनसे एक रेसिपी बनाएंगे। आप उसको स्नैक की तरह भी खा सकते हो और सब्जी की तरह भी खा सकते हो, परांठे या चपाती के साथ। और ये एक बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। कॉर्न स्नैक बनाने के लिए मैंने ये लिया है कॉर्न, एक बड़ा बाउल। मैंने इसको थोड़ा सा उबाला है और अभी गर्म पानी में ही रखा हुआ है। और ये मैंने ग्रैनुल्स लिए हैं, इसको भी मैंने पानी में डाल रखा है थोड़ा गर्म करके। और ये मैंने ली है सारी वेजिटेबल जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप की है। और एक लिया है नींबू, और थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। मैं ये अमूल क्रीम ले रही हूँ, आप कोई भी क्रीम ऐड कर सकते हो, घर में जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये एक हेल्दी रेसिपी है इसलिए मैं इसमें ऑयल थोड़ा कम ही डालूंगी, बस इतना ऑयल लिया मैंने। ये लगभग 2 टेबलस्पून के बराबर है ये ऑयल। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, मैं इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें मैं और कोई मसाला नहीं डालूंगी सूखा, जैसे जीरा या सरसों वगैरह, वो इसमें अच्छी नहीं लगती। अब ये ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा जब पक जाए। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 प्याज जो मैंने बारीक काटे हुए हैं, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने छोटा चम्मच लिया है मसाले के लिए। अब मैं इसको, प्याज को भी ज़्यादा भूनूंगी नहीं, थोड़ा सा जब कच्चा कच्चा होता है तभी अच्छा लगता है ये खाने में। अब मैंने जो बारीक चॉप की हुई थी हरी मिर्च वो डाल दी है, और 1 छोटी शिमला मिर्च थी जो बारीक चॉप की हुई है वो ऐड कर दी है, टमाटोज ऐड कर दिए हैं। ये सारी सब्जियां मैंने बारीक चॉप की हैं। और ये धनिया मैं डाल रही हूँ थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये सोया ग्रैन्यूल्स जो मैंने निचोड़ लिए, इनका पानी निकाल लिया है, इसको मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ था। ये बहुत हेल्दी होता है खाने में, इसमें प्रोटीन होता है बहुत सारा। और ये कॉर्न्स मैंने, ये भी मैंने पानी में उबाले थे पहले, इसका पानी निकाल लिया है ताकि, तो पहले पानी में इसलिए उबाले ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें 1/2 नींबू निचोड़ दूंगी। नींबू इसमें डालने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और ये आप, एक हेल्दी रेसिपी है, आप नाश्ते में भी खा सकते हो जिसको वेट कम करना है। और ये मैंने 1 चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम ऐड की है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो और नहीं डालना चाहो तो नहीं। और ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये रेसिपी आप इवनिंग टाइम पे भी खा सकते हो, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, चपाती साथ भी खा सकते हो। और जैसे बच्चों को अच्छा, मतलब कुछ डिफरेंट खाना होता है, तो आप इसको एक चपाती में, इसको जो ये स्टफिंग है इसको रोल करके भी बच्चों को दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।